आजकल के जनता की सबसे बड़ी समस्या है बिजली की बिल। अभी हमारे नगर परिषद में जितने भी घर हैं, अगर उसको परसेंटेज लेकर चला जाए तो हर की बिजली की समस्या है। अगर हमारी जीत होती है तो मैं इसको नगर परिषद ही नहीं, इसको अपग्रेड करके नगर निगम बनाऊंगा। अच्छा, देखिए इतना बड़ा बात बोल दिए जब। जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल का प्लेयर भी रह चुके हैं। अच्छा, प्लेयर भी हैं आप? किस चीज से खेलते हैं आप? हम क्रिकेट प्लेयर। अच्छा, क्रिकेट प्लेयर हैं जी। उसके लिए, उससे पहले हम लोगों ने बहुत दिनों से एक कार्य के लिए सोचा है और वो 2 अक्टूबर को हमने इनके कहने पे हमने कराएंगे। हम लोग 2 अक्टूबर को ब्लड बैंक कैंप लगेगा, जो पटना से टीम आएगी, इनके कहने पे पटना से टीम चल के अगर विकास किया जाए तो हम उसको, अगर हम इसमें आते हैं तो हम इसको मिनिमम 5 साल में अपना सारा ऐसा काम कर देंगे कि कोई ये नहीं कहेगा कि विकास नहीं हुआ है। को ब्लड की ज़रूरत हो, वो चाहे रात हो या दिन हो, उसके लिए जरूर खड़े रहते हैं। और आपको बता दें कि हमारी बहुत दिनों से चर्चा भी चल रही है इनसे कि पीरो में एक ब्लड बैंक खुलवाया जाए। बिल्कुल सही बात बोले, ब्लड बैंक जरूरी है। मैं आपको बता दूँ, क्या विश्वास है कि आप जीत जाएंगे? नहीं, देखिए ये एक परीक्षा है, परीक्षा हम दे रहे हैं, सफलता जनता के हाथ में। और देखिए बहुत सारे जी, अभी 2 दिन पहले ही किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, धीरू भैया की आदेश पे एक बार में रात में 12 बजे उन्हें 17 अस्पताल से ब्लड दिलाया गया। तो इनकी हर कोशिश रहती है कि नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज, और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल में, और पीरो अनुमंडल में जो कि नगर परिषद, जो कि पहले पीरो अनुमंडल नगर परिषद नगर पंचायत हुआ करता था, आज के समय में नगर परिषद हो गया है, जो कि हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी नगर निकाय का जो चुनाव का जो कि आरंभ हो चुका है और बिगुल बज चुका है, प्रत्याशी अभी आ रहे हैं जो कि अभी नॉमिनेशन कराकर अभी, और बहुत सारे समर्थक है, और जो कि रणभूमि रूपी जो चुनाव में अभी कूद रहे हैं, जो कि समर्थक हैं हमारे साथ और प्रत्याशी भी हैं, जो कि अभी नए जो कि प्रत्याशी हैं। और आप सबको बता देना चाहते हैं कि नगर परिषद जब पीरो अनुमंडल हो चुका है तो इसमें बहुत सारे जो कि गांव भी अभी ऐड हुआ है इसमें, जो कि बहुत सारे अति पिछड़ा भी गांव है, जो कि अभी वहां पर विकास नहीं हुआ है। ऐसे ही जो कि अभी धीरू सिंह जिनका नाम है, जो कि सभापति के लिए अभी नामांकन करा कर आए हुए हैं, इनसे हम जानने का कोशिश कर रहे हैं किस तरह से अभी नगर परिषद पीरो के लिए विकास की कार्य आगे करेंगे और किस तरह से जो कि रुका हुआ है जो कार्य उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, आपके माध्यम से, परसुमित चैनल के माध्यम से मैं सभी नगर वासियों को धन्यवाद देता हूं, और यह अपार समर्थन के लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं या फिर पहली बार चुनाव? नहीं, इसके पहले मैं नगर पंचायत में, अपने ग्रामीण पंचायत में चुनाव लड़ चुका हूं, दूसरे नंबर पे मैं था, इससे 50 वोट से मैं हार गया था। लेकिन जब मैं नगर परिषद में हमारा पंचायत आया तो पंचायत के जितने भी हमारे प्रेमी हैं बोले कि भैया नहीं, सिर्फ आप चुनाव लड़ेंगे हमारे पंचायत से, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। इसमें हर लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसका समर्थन का नतीजा है कि आज एक जो जन सैलाब देखे हैं वो हमारे पंचायत का ही देन है। देखिए काफ़ी सारा समर्थक आपके साथ मौजूद है, बहुत सारे गाड़ियों के साथ आपके समर्थक सपोर्ट में अभी नॉमिनेशन करा कर जब आ रहे हैं, सपोर्ट में आए हुए हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा, पहले तो जो कि आप बरौली से इधर जो कि गाँव से बिलोंग करते हैं आप लोग, पहले जो कि पीरो में नहीं हुए आप लोग जुड़े हुए थे, जो कि पहले आप लोग पंचायत स्तर से थे पंचायत में, लेकिन आज के समय में जो कि पीरो नगर परिषद से जुड़ चुके हैं आप लोग, किस तरह से गाँव में आप विकास कीजिएगा जो कि अभी गाँव जो कि पिछड़ा हुआ है? देखिए एक बात बताना चाहते हैं, हम लोग के जो पंचायत है और नगर परिषद में जो भी क्षेत्र हैं उनमें विकास अभी तक हुआ ही नहीं है। अगर विकास किया जाए तो हम उसको, अगर हम इसमें आते हैं तो हम इसको मिनिमम 5 साल में अपना सारा ऐसा काम कर देंगे कि कोई ये नहीं कहेगा कि विकास नहीं हुआ है। क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप इस बार जो जितने अभी समर्थक आपके साथ मौजूद थे, क्या विश्वास है कि आप जीत जाएंगे? नहीं, देखिए ये एक परीक्षा है, परीक्षा हम दे रहे हैं, सफलता जनता के हाथ में। और देखिए बहुत सारे
और बहुत सारे गांव में, बहुत सारे जो कि गांव में अभी कार्य का विकास नहीं हुआ है, और पीरो नगर में कुछ ऐसे कार्यों का आप नाम बताइए जो कि अभी रुका हुआ है, उसके जो कार्य आप जीतने के बाद आप कार्य को आगे बढ़ाइएगा। देखिए अभी नगर परिषद में जैसे अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल ये एक शहीद स्टेडियम है, इसको आप देख लीजिए कि क्या इसकी परिस्थिति है, बिल्कुल बदतर स्थिति है। हाँ, तो मैं सबसे पहले ये सौंदर्यीकरण का काम करूंगा, और उसके बाद देखिए आजकल के जनता के सबसे बड़ी समस्या है बिजली की बिल। अभी हमारे नगर परिषद में जितने भी घर हैं, अगर उसको परसेंटेज लेकर चला जाए तो हर की बिजली की समस्या है कि मेरा बिजली बिल इतना है, उसको भी मैं सुधार करने का कार्य करूंगा। अपने समर्थकों के बारे में क्या कहेंगे, जितने इतना हुजूम के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके सपोर्ट में हैं? ये हमारे समर्थक नहीं, हमारे भाई हैं। अच्छा, देखिए इनके समर्थक भी हैं, इनके समर्थक भी हैं, इनसे भी जानते हैं किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इनको धीरू सिंह। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। किस तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं प्रस्तावक हूँ, मैं एक प्रस्तावक हूँ इनका। अच्छा, प्रस्तावक हैं। हाँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कार्य करेंगे वो सही ढंग से होगा, किसी भाई को किसी को तकलीफ नहीं होगा, और पूर्ण विश्वास है कि जो कार्य अभी पहले नहीं हुआ है वो अभी होगा। पूरा विश्वास है आपको? हाँ, पूरा विश्वास है कि होगा, और मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि मैं जीतूंगा। धन्यवाद। किस मुद्दा पर आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अभिषेक कुमार, मैं बरौली से हूं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये नगर में जब चुनाव हार भी गए थे, उससे भी पहले जनता के लिए इनके बहुत सारे काम किए हैं। जैसे मैं आपको गिनवा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन एक दो का नाम बता देता हूँ। कभी भी किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, वो चाहे रात हो या दिन हो, उसके लिए जरूर खड़े रहते हैं। और आपको बता दें कि हमारी बहुत दिनों से चर्चा भी चल रही है इनसे कि पीरो में एक ब्लड बैंक खुलवाया जाए। बिल्कुल सही बात बोले, ब्लड बैंक जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके लिए उससे पहले हम लोगों ने बहुत दिनों से एक कार्य के लिए सोचा है, और वो 2 अक्टूबर को हमने इनके कहने पर हमने कराएंगे। हम लोग 2 अक्टूबर को ब्लड बैंक कैंप लगेगा, जो पटना से टीम आएगी, इनके कहने पे पटना से टीम चल के आएगी, और 2 अक्टूबर को हमारे बरौली गांव में कैंप लगेगा ब्लड के लिए। और इसी मैं यही कहूंगा, अगर ये आते हैं तो स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ब्लड बैंक पीरो में बहुत ज़रूरी है, और ICU का भी व्यवस्था नहीं है। और आपको बता दें कि स्टेडियम का तो देख ही रहे हैं, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल का प्लेयर भी रह चुके हैं। अच्छा, प्लेयर भी हैं आप? ठीक है, से खेलते हैं आप? हम क्रिकेट प्लेयर। अच्छा, क्रिकेट प्लेयर हैं? जी जी। यहाँ तो बगल में ही आपके क्रिकेट प्लेयर स्टेडियम है, लेकिन सही नहीं तो इसीलिए तो मैंने बोला कि पहले युवाओं के लिए ये मैं कर दिखाऊंगा। पहले तो पंचायत हुआ करता था, नगर परिषद, नगर परिषद जो कि आज के समय नगर परिषद हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक भी स्टेडियम नहीं है, ना सही से शौचालय बना हुआ है। जैसा कि बोले कि 2 अक्टूबर को आप यहाँ पर ब्लड बैंक जो कि स्टेबल करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर सहायता उपलब्ध कराने वाले हैं, कैंप लगाने वाले हैं, तो इस तरह से किस तरह से आपके दिमाग में आया कि ये सब करना चाहिए पीरो नगर परिषद? ये मत दिमाग आज से नहीं है, हम लोग पहले से लगे हुए हैं। पहले से मतलब? हाँ, ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा मतलब डोनेट भी करते हैं ब्लड, इसके लिए मतलब दिमाग में हम लोग को पहले से भी इसकी चर्चा होती रहती है कि नहीं, ये हमारे मतलब जो मैनिफेस्टो है उसमें फर्स्ट प्राथमिकता है कि हमें ये करना है, इसको हम लोग ब्लड बैंक खोलना ही है। यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतर बनाना है कि जो लोग किसी कारणवश यहाँ से आरा जाते हैं, बनारस जाते हैं, उनको यही सुविधा वो सारी मिल जाए तो वो क्यों आगे जाएंगे। अगर हमारी जीत होती है तो मैं इसको नगर परिषद ही नहीं, इसको अपग्रेड करके नगर निगम बनाऊंगा। अच्छा, देखिए इतना बड़ा बात बोल दिए जो कि धीरू सिंह जो कि अभी नगर परिषद है, लेकिन इसको पीरो का नगर निगम बनाने का बात बोल दिए, इतना बड़ा। देखिए अभी बहुत सारे समर्थक भी इनसे हम जानने का कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनको धीरू सिंह के बारे में? ये बोलेंगे कि ऐसा कैंडिडेट अभी हम लोग के पास नहीं है जो कि यूथ के साथ मिलकर उनके साथ काम करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो बोले हैं कि हम नगर नगर परिषद है पीरो, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे नगर निगम के लिए, और यहाँ पर ब्लड कैंप भी लगाएंगे। जी, अभी 2 दिन पहले ही किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, धीरू भैया की आदेश पे एक बार में रात में 12 बजे उन्हें 17 अस्पताल से ब्लड दिलाया गया। तो इनकी हर कोशिश रहती है कि कितनी भी इमरजेंसी हो, रात में 1 बजे 2 बजे हो, इनकी एक कॉल पे ब्लड रिक्वायरमेंट पूरी कराई जाती है। ब्लड की बात छोड़ दीजिए, उसको छोड़कर आपको किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, धीरू भैया वहाँ जाकर खड़े रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। धन्यवाद। देखिए हम यहाँ से मौजूद थे जो कि अभी मौजूद है हमारे साथ जो कि सभापति उम्मीदवार हैं मिस्टर धीरू सिंह, इनसे जानने का कोशिश किए कि किस तरह से अभी विकास के जो कार्य है आगे बढ़ाएंगे। इनका कहना है ना कि पीरो नगर परिषद जो कि है, ये नगर निगम के लिए भी अपना कदम बढ़ाएंगे, और जो कि यहाँ पर
मेडिकल कैंप, जो कि अभी ब्लड बैंक के लिए बहुत सारा सुविधा उपलब्ध नहीं है, मेडिकल लाइन में भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कि यहाँ पर हम जीतने के बाद उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से इनका जो कि मुद्दा है पीजो नगर परिषद के लिए, और इस तरह से जो कि विकास का जो कार्य है आगे बढ़ाएंगे, इनसे हम जानने का कोशिश किए हैं, इनसे समर्थकों से भी जानने का कोशिश किए हैं। लोगों का कहना है कि अगर जीतते हैं तो जो भी विकास के जो कार्य है आगे बढ़ाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा मैन रतन कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार, थैंक यू, जय हिंद।